वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। मुंबई के प्रवेश द्वार पर स्थित दहिसर टोल नाका पर अब मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही मनसे कार्यकर्ताओं ने आज दहिसर टोल नाका पर पीली लाइन का भी निरीक्षण किया और उसे खुद ही पेंट किया और एक नया टोल नाका के दोनों तरफ पीली लाइन खींची गई है। दरअसल मनसे नेता नयन कदम और चारकोप विधानसभा अध्यक्ष दिनेश सालवी के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने दहिसर टोल नाका पर सीसीटीवी लगाए हैं और टोल नाका के दोनों तरफ पीली लाइनें भी खींची गई हैं। इसके चलते देखा गया कि मनसे कार्यकर्ताओं ने भीड़भाड़ वाले समय में पीली लाइन के पीछे खड़े वाहन चालकों को टोल न देने की हिदायत भी दी। कैसा है उस दिन जब हमारा सीसीटीवी का वायरिंग हो रहा था, हमने चेक किया, आज सीसीटीवी लगे हैं मनसे के सब, यहाँ पे 10 लाइन है, 10 के 10 लाइन पे मनसे के सीसीटीवी लगे। और कायदा जो मंत्री साहब ने, मुख्यमंत्री ने बोला है कि 300 मीटर के आगे अगर गाड़ी गई तो गाड़ी फिर छोड़नी चाहिए, तो इसके लिए हमने उस दिन भी देखा था कि वो लाइन हमारे ख्याल से 500 मीटर पे लगी थी, तो आज मेजर टेप लेके रियलिटी चेक कर दिया तो 300 मीटर के आगे 180 मीटर 170 मीटर लाइन आगे लगाई है। किस बात पे ये कर रहे हैं आप जैसे सत्ता में बैठे हो वैसे यहाँ पे भी गड़बड़ी कर रहे हैं कि लाइन की? अरे जनता का भला होता है 300 मीटर के आगे जाने के बाद फिर फ्री छोड़ना है? छोड़ो ना फ्री, गाड़ियां फ्री छोड़ी जाती है ऐसा बोलते बोलते, लेकिन वहां पे स्कैनर लगा है और गाड़ी जाती है स्कैन हो जाता है, मतलब तुम फ्री भी नहीं छोड़ रहे। तो फ्री छोड़ना बहुत जरूरी है आपको। अगर कायदा तुम मना रहे, मंत्री साहब बोल रहे, मुख्यमंत्री खुद बोल रहे कि 300 मीटर के आगे फ्री छोड़ेंगे, 150-200 मीटर एक्स्ट्रा लगाया है लाइन, तो आज हमने हमारा लाइन मार के लिया है। गाड़ियों को फ्री छोड़ना 300 मीटर के बाद जरूरी है, यहाँ पे स्कैनर बंद करना जरूरी है, नहीं तो गाड़ी जाएगी और पैसा स्कैन होगा, ये चीटिंग बंद करो। हमने पुलिस को भी बोला है तो आज पुलिस ने कार्रवाई करके तुरंत गाड़ियां फ्री छोड़ दी है, लेकिन वहां पे स्कैन हो रहा है, पैसा तो स्कैन ही हो रहा है।